एमपी के खरगोन में एक यात्री बस टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुलिया से नदी में जा गिरी। यात्रियों में चीख उखान मच गई। वहां पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला। हादसा खरगोन सनावद मार्ग पर गुरुवार शाम 5 बजे के करीब हुआ। इसमें ड्राइवर समेत 8 यात्री घायल हो गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में कल से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इससे जबलपुर शहडोल और रीवा संभाग में मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि भोपाल उज्जैन और इंदौर संभाग में सिस्टम का असर दिखाई नहीं देगा। सतना जिले के रेगांव क्षेत्र से कांग्रेस की महिला विधायक कल्पना वर्मा के साथ जनसंपर्क कार्यक्रम में अभद्रता की गई और उनका हाथ पकड़ने का भी प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, उनकी महिला सहायक के साथ भी धक्का मुक्की हुई। बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक तौर पर यह हरकतें किसी और ने नहीं बल्कि रेगांव क्षेत्र के कांग्रेसी नेता मनोज बागरी बबलू ने ही की। विधायक ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। बालाघाट में हॉक फोर्स ने 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। जानकारी के अनुसार टाडा दड़िक्सा दलम का सक्रिय सदस्य कमलू का आज हॉक फोर्स से आमना सामना हो गया। इसमें कमलू की मौत हो गई। बता दें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हॉक फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। उज्जैन में 15 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी भरत सोनी ने रेलवे स्टेशन के सामने से बच्ची को ऑटो में बिठाया था। वह उसे जीवन खेड़ी ले गया जहां बच्ची के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तब कहीं जाकर आरोपी तक पहुंची।